हेलो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में आप सभी का स्वागत है मैं आपके लिए लाया हूं पॉलिटिकल साइंस का एमसीक्यू हमारा तीसरा सेट है यह जो तो मुख्य रूप से NetJRF, से नेट पॉलिटिकल साइंस जो तैयारी कर रहे हैं नेट है. साथ ही साथ ये जे एन यू डी यू या बी एच यू का जो एम का एंट्रेंस एग्जाम देंगे उनके लिए भी ये फायदेमंद रहेगा तो आइए शुरू करते हैं आज का एम आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हु द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी तो जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी थी ये नाइन्टीन सिक्सटीज के बाद जो है तो फेमस हुई थी लेकिन इसको जो डेमोक्रेटिक देमोक्रे, थ्योरी की बात है वो इमानुएल कांट ने अपनी बुक जो है तो परपेचुअल पीस परपेचुअल पीस ए फिलासफल स्केच में ही जो है तो डेमोक्रेटिक थ्योरी के बारे में बात कर दी थी लेकिन 1960 सिक्सटी के बाद नाइनटीन एटी थ्री में नाइनटीन एटी थ्री में माइकल डोयल ने अपने एक बुक में इसको डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी को जो हो तो पॉपुलराइज किया था तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो माइकल माइकल है तो याद रखिएगा in तो उसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं तो फंसिल एग्रीमेंट हुआ था ये हुआ था इंडो चाइना के बीच इंडिया और चाइना के बीच हुआ था एडवांस इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन किस प्रकार काल इंटीग्रिटी एंड श्योरिंटी यानी अपने दोनों के जो तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और श्योरिंटी का हमें क्या करना है रिस्पेक्ट करना है ये पहली दूसरा इसमें क्या था था प्रिंसिपल म्यूचुअल नॉन थर्ड क्या था म्यूचुअल नॉन इंटरफरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स फोर्थ था इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट और फिफ्थ था पीसफुल को ये पंचशील ये फाइव प्रिंसिपल दिए गए थे पंचशील एग्रीमेंट में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड शोरिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट था नॉट टू डेवलप न्यूक्लियर विपन ये हमारे एग्रीमेंट में नहीं था तो याद रखिएगा नॉट टू डेवलप बाकी इक्वल म्यूचुअल बेनिफिट और पीसफुल को एग्जिस्ट था इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर होगा ये बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा कौन इसको क्योंकि पूछा था क्या नॉट इंक्लूड इन द डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील इंडो चाइना के बीच हुई थी याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मार्शल प्लान 1947 वाज फॉर्मली नोन एज मार्शल प्लान जो 1947 है उसको क्या अन्य नामों से भी जाना जाता है पहले हम लोग समझ लेते हैं मार्शल प्लान क्या था तो मार्शल प्लान को इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है याद रखिएगा इकोनॉमिक प्रोग्राम ये यूएस का प्रोग्राम था किसका प्रोग्राम था यूएस का तो प्रोवाइडिंग टू वेस्टर्न यूरोप फॉलोइंग द डिवास्टेशन ऑफ फॉलोइंगल्ड वार सेल्ड वार जो वहाँ का यूरोप का डिवास्टेशन हुआ था उसको जो है तो रिकवर करने के लिए यूरोप को रिकवर करने का यह प्रोग्राम था यूएस के द्वारा चलाया गया था इसको नाइनटीन में एक्ट किया गया था कब किया गया था मार्शल प्लान याद रखिएगा में इसके तहत फिफ्टीन बिलियन डॉलर

सॉफ्ट पावर तो सॉफ्ट पावर

जो तो, केवल मिलिट्री और इकोनॉमिक टर्म में ही जो स्ट्रॉगेस्ट तो, पावर नहीं है बल्कि इसका एक सॉफ्ट पावर भी है सॉफ्ट पावर डिफाइन किया था किस तरह द एबिलिटी टू गेट वाट यू वॉन्ट थ्रो द अट्रैक्शन रेदर दैन थ्रो द यानि कि आपकी एबिलिटी किसी भी कंट्री की एबिलिटी होती है कि कोई भी चीज प्राप्त करना है तो उसको अट्रैक्शन के द्वारा वो अट्रैक्ट हमारी कंट्री की और ऐसे प्राप्त करना है ना कि किसी को जबरदस्ती हम लोग अपने देश के तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं तो सॉफ्ट पावर की बात करते हैं ही नोटेड दैट द सॉफ्ट पावर कुड बी डेवलप्ड थ्रो रिलेशन विध एलायोनॉमिक पावर को डेवलप करने के लिए इन्होंने तीन प्रकार के बताए हैं एलायंस को इकोनॉमिक की बात की है और कल्चरल एक्सचेंजेस की बात की है यानी एक दूसरों कंट्री दोनों कल्चरल इंगेज हो कल्चरलींगेज हो इकोनॉमिक रूप से असिस्टेंट की जाए और एलायंस बनाया जाए तो ये सॉफ्ट पावर के अंतर्गत आए ही आर गुड दैट दिस वु मोर फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन एंड क्रेडिबिलिटी तो कंट्री के लिए जो तो पब्लिक ओपिनियन और क्रेडिबिलिटी प्राप्त करती है सॉफ्ट जो थ्योरी होती है तो ये जोसेफ नाइन ने कौन टर्म क्वेंट किया था जोसेफ नाइन ने याद रखिएगा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोविजन द सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 तो सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप लोगों को याद होगा ये पंचायती इंस्टीट्यूशंस से संबंधित है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट नाइन में पार्ट किस में जोड़ा गया है नाइन में जोड़ा गया है ये भी याद रखना है और साथ ही साथ इसी अमेंडमेंट के तहत इलेवंथ शेड्यूल को भी एड किया गया था हमारे में शेड्यूल को तो प, पंचायती राज इसमें कौन सी ये कंपलसरी प्रोविजन इसमें कौन कौन से प्रोविजन दिए थे जो कंपलसरी थे फर्स्ट क्या है इनडायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ चेयरमैन चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल तो इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की थी इंटरमीडिएट लेवल में फर्स्ट जो है तो

ये स्टेट जो है तो बैकवर्ड क्लास के लिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत है थर्ड क्या है फोर्थ क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेट फाइनेंस कमीशन हाँ इसी के तहत जो तो स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्थापना करने के लिए बात की गई थी जो जो तो रिस्पेक्टिव स्टेट होंगे वो अपने स्टेट्स में जो है तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो तो कंस्टिट्यूट करेंगे हेल्प करने के लिए इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए बी डी ए बी डी आपका यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन ए बी डी तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये है सी नंबर तो सी नंबर दिया हुआ इसमें करेक्ट आंसर ठीक ना तो इसका करेक्ट आंसर सी है ए बी डी ये तीनो ये तीनों स्टेटमेंट स्टेटमेंट सही बाकी सी नंबर जो इसका है रिजर्वेशन फॉर सीट फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये होगा बल्कि शेड्यूल और शेड्यूल ट्राइब को दिया गया था रिजर्वेशन सिक्स क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जेंडर बजटिंग आर करेक्ट तो जेंडर बजटिंग के बारे में स्टेटमेंट आपको बताना है इट इज सेपरेट बजट नहीं ये सेपरेट बजट नहीं होता ये हमारे जो बजट होता है उसी के साथ रहता है उसी में रहता है ठीक ना अलग से कोई बजट इसके लिए जेंडर बजट करके कोई वैसा बजट नहीं बनाया जाता इट पास विद जनरल बजट अब क्योंकि ये जे जेंडर बजट करके कोई बजट अलग से बनाया ही नहीं जाता तो ये जनरल बजट के साथ कैसे पास होगा बल्कि जनरल बजट में ही ये समाहित रहता है उसमें उसके ही थ्योरी में रहता है It seeks the में ही प्रोविजन जाते हैं। इसलिए इसको जेंडर बजटिंग भी कहा जाता है नेक्स्ट क्या है इट एड्रेस द नीड्स ऑफ वुमेन्स इन एरियाज ऑफ एजुकेशन हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट तो ये भी किसी खास जेंडर को ध्यान में रखकर कुछ प्रोविजन किए जाते हैं अपने जनरल बजट में तो ये बुमाइज़ के लिए भी किया जाता है एजुकेशन के लिए हेल्थ के लिए इंप्लायमेंट के लिए तो ये भी स्टेटमेंट सही है तो इसका स्टेटमेंट सी और डी सही है तो पूछा था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर जिसमें सी और डी ऑप्शन दिया गया है याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फॉलोइंग फर्स्ट कंट्री टू इनैक्ट लॉ ऑफ फ्रीडम प्रेस एक्ट एज अर्जी पहले फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट पास किया था याद रखियेगा सेवनटी सिक्स में किसने किया था स्वीडन ने किया था नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फॉलोइंग क्वाइन द टर्म रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोसी तो रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोसी को किसने क्वाइन किया था इन्होने डोनाल्ड किंग ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टर्म को फाइंड किया था तो द टर्म रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जनरली एट्रीब्यूटेड टू तो डोना जे डोनाल्ड क्रिंसले बुक्स टाइटल इनका बुक ही लिखी थी इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव

पूरे नहीं होते थे इसके कारण इन्होंने ऐसी थ्योरी दी थी और इन्होंने टू सॉल्व द किंग्सले स्टेट इसके लिए किंग्सले ने क्या कहा है रिप्रेजेंटेटिव इज नेसेसरी बिकॉज देयर मस्ट बी एट लीस्ट टू द प्रोग्रामेटिक प्रोग्रामेटिक कंसर्न ऑफ द डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी तो जो डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो है तो अन्य सोशल क्लास है कुछ ना कुछ सिंपथेटिक थे, जो है तो प्रोग्राम वो चलाएगी जो फायदेमंद होगा अन्य क्लास उसके लिए तो इन्होंने क्या कहा था रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी की बात की थी किसने जे डोनाल्ड किंग्सले ने तो याद रखिएगा रिप्रेजेंटेटिव जो क्वाइन है ये टर्म ये डोनाल्ड किंग्सले ने क्वाइन किया था नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के तीन प्रिंसिपल्स बताए गए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हायरकी

टेंथ क्वेश्चन देखते हैं हु एमंग द फॉलोइंग लेड डाउन द सेवन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो सेवन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसको सबसे पहले समझ लेते हैं इसको पोस्ट कार्व के टर्म के रूप में हम लोग समझ सकते हैं पोस्ट कार्व का पी स्टैंड होता है प्लानिंग के लिए ओ स्टैंड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए एस स्टैंड करता है स्टाफिंग के लिए डी स्टैंड करता है डायरेक्टिंग के लिए सी CO कोऑर्डिनेटिंग के लिए आर जो है तो रिपोर्टिंग के लिए और बी जो है तो बजटिंग के लिए तो ये सेवन जो है तो पिलर्स बताए गए हैं सेवन जो तो, ए, है, से है तो बताए गए हैं प्रिंसिपल कौन से हैं तो इसको किसने क्वाइंड किया था तो विच वाज क्वाइंड इन द पेपर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट दैट वाज रिटन बाय द ब्रेरन कमेटी बाय लूथर गुलिक और लैंडवाल यूरिक ने तो इन्होंने दिया था एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो सेवन प्रिंसिपल है लूथ, लू, लूथर गुलिक और ल, लिंडन यूर्विक ने दिया था तो इसका सही आंसर क्या होगा सेवन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ग्विलिक और यूरविक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इलेवंथ क्या है सिंस द द द कंसेंसस हैज इमर्ज इन इंडिया दैट पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर गो टू अपोजिशन पार्टी तो जो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट होता है स्पीकर पोस्ट होता है डिप्टी स्पीकर हमारे लोग तो डिप्टी स्पीकर हमेशा बनते हैं अपोजिशन पार्टी के और स्पीकर बनते हैं जो पार्टी पो, सत्ता में रहती है शासन में रहती है तो ये कब से ऐसा कंसेंसन हमारे पोलिटिकल पार्टीज के बीच डेवलप हुआ है कि जो डिप्टी स्पीकर होंगे वो अपोजिशन पार्टी से ही चुने जाएंगे तो ये हुआ था हमारा नाइनटीन नाइनटी 1996 में तो 1996 जो तो ये सिद्धांत हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कंसेसस आया था पार्टीज के बीच कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी से होंगे ट्वेल्थ क्या है क्वेश्चंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज बीन मेड अंडर आर्टिकल 34 फोर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 34 बात करता है वो किसी भी स्टेट में मार्शल लॉ की बात करता है और मार्शल लॉ कहता है कि यदि जैसा कि आप लोग जानते हैं आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट्स के जो प्रोविजन दिया गया है पार्ट थर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका एक पार्ट है क्योंकि हमारा पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट हमें दिया गया है आर्टिकल ट्वेल्व से थर्टी फाइव के बीच बात की जाती है फंडामेंटल राइट right के बारे में तो आर्टिकल थर्टी फोर

संरक्षण प्रदान करेगी तो ये फोर तो इसके तहत जो बना बना था वो बना था था वो यानी बनाया गया था। तो याद आर्टिकल थर्टी फोर के तहत कौन सा बना था पावर एक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पावर एक्ट कब बना था 1958 में इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया

पहले हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है लोअर चैम्बर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का लोअर चैम्बर कहलाता है और वही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव देखें तो ये लोअर चैम्बर ऑफ अमेरिकन कांग्रेस का है ये चीज आप समझ गए होंगे कि हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में क्या डिफरेंस है ये ठीक अब बोथ कॉमन हाउस ऑफ कॉमस एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक चैम्बर है यानी दोनों में जो पर्सन होते हैं जो सदस्य उसके मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं तो इलेक्शन के थ्रू दोनों आते हैं तो डेमोक्रेटिक द हाउस ऑफ लॉर्ड्स कैन नॉट एक्ट एज अ वेरियर अगेंस्ट द हाउस ऑफ कॉमन हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो तो जो ब्रिटेन ब्रिटिश है उसका हाउस होता है हाउस हाउस जो ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, है यानी क्या होता है हाउस ऑफ लॉर्ड लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स कभी भी बैरियर का काम नहीं करता हाउस ऑफ कॉमंस के लिए तो ब्रिटिश और इसके साथ साथ ब्रिटिश कोर्ट्स को कोई पावर नहीं है जडिशियल रिव्यू के लिए वहीं अगर दूसरी तरफ देखें अमेरिकन हाउस ऑफ बॉडी क्योंकि उसको फुल पावर नहीं है क्यों नहीं है इट इज ए लेजिस्लेटिव पावर आर इक्वली शेयर्ड सीनेट तो जो यहाँ का अपर हाउस है अमेरिका का अपर हाउस वो सीनेट का है उसके साथ इक्वल पावर जो है तो डिस्ट्रीब्यूशन है जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स को जो है तो अधिक पावर दिए है वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कोई बैरियर का काम नहीं करता यहाँ पर इक्वल है तो कोई भी लेजिस्लेशन पावर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज लिमिटेड बाय द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू दैट ऑपरेट इन यूएसए लेजिस्लेशन में इक्वल पावर है सेनेट को तो कोई भी ला होगा तो जब तक जो, दोनों जो है तो रेटिफाई नहीं करेंगे दोनों पास नहीं करेंगे तो ला नहीं बनेगा तो इक्वल है पावर और साथ ही साथ यहाँ जडियल रिव्यू है यदि हाउस ऑफ कॉम रिप्रेजेंटेटिव ने अपना कोई ला पास भी कर दिया तो यदि वह जडूसियल रिव्यू के जाता है और वह कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के खिलाफ रहता है तो उसको नल और वाइड घोषित कर दिया जाता है नल और वाइड यानी उसको शून्य मान लिया जाता है उसको उसकी कोई भी अवैध घोषित कर दिया जाता है है इसलिए देखें तो हाउस ऑफ कॉमन जो रिप्रेजेंटेटिव उसकी पावर कम है वही हाउस ऑफ कॉमन्स की पावर बहुत ज्यादा है अगला देखते हैं फाइनेंशियल पावर दोनों की कैसी है तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ला इन ऑल इन ऑल यानी कि संपूर्ण पावर फाइनेंशियल की जो पावर है ब्रिटिश कॉमन हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है मनी बिल मस्ट बी ओरिजिनेट इन द हाउस ऑफ कॉमन्स हमेशा जैसे इंडिया में हमारे लोकसभा में ही कोई भी बिल होता है वो लोकसभा में मनी बिल पास होता है ओरिजिनेट होता है उसी प्रकार ब्रिटिश कॉमन हाउस में भी कोई मनी बिल है तो वो ओरिजिनेट होगा हाउस ऑफ कॉमन्स में और दे कैन बी नाइदर अमेंड नॉट रिजेक्टेड बाय लॉर्ड्स तो जो हायर हायर सदन होता है अपर हाउस होता है वो ना तो इसको अमेंड कर सकता है ना ही रिजेक्ट कर सकता है इसी तरह है, सेम टू तो सेम कॉन्सेप्ट इंडिया में भी है द हाउस ऑफ लॉर्ड्स कैन डिले मनी बिल पास बाई द काम एट मोस्ट ऑफ वन मंथ तो उसे मैक्सिमम जो होता है एक महीना के लिए जो होता है वो डिले कर सकता है इसी पर हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में में इंडिया के में दे तो हमारी जो राज्यसभा है अपर हाउस है वो मैक्सिमम फोर्टीन डेज के लिए कोई भी मनी बिल को अपने पास रख सकती है ठीक तो ये वहीं पर अगर अगर हम दूसरी तरफ देखें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो यूएस की है इज ऑलमोस्ट ऑन द सेम फुटिंग ऑन द सीनेट एज द सीनेट इन रिगार्ड ऑफ मनी बिल

सीनेट की भी अथॉरिटी सेम है जैसे रिप्रेजेंटेटिव यानी जब तक दोनों हाउस से बराबर नहीं पास होगा तो ये कोई भी मनी बिल पास नहीं माना जाएगा इसलिए जो तो चाहे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो या सीनेट सीनेट हो अमेरिका दोनों को सेम पावर है ठीक अब दोनों के एग्जीक्यूटिव पावर को भी हम लोग देखने के समझने की कोशिश करते हैं तो ब्रिटेन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंप्लाइड दैट द कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन हाउस तो एग्जीक्यूटिव वहां का क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है कॉमन हाउस के लिए ठीक ना तो so, ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस कार uh, जो तो प्रिंसिपल पर कार्य करती रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो याद रखिएगा इसी तरह प्रेसिडेंशियल अमेरिका में क्या है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो कि सेपरेशन ऑफ पावर के जो तो कॉन्सेप्ट पर रहती है

तभी तक हाउस में रह सकती है हाउस ऑफ कॉमन्स जब तक कि उसको मेंबर्स का मेजॉरिटी मिला हुआ होगा सपोर्ट रहेगा मेजॉरिटी का जैसे इंडिया में होता है तभी तक उसके बाद ये काम हाउस ऑफ कॉमन्स में नहीं रह सकते अगर इनको सपोर्ट नहीं हुआ वहीं द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ फोर ईयर तो वहीं यू का जो होता है इलेक्टेड जो होता है उसका चार साल का फिक्स पीरियड होता है यदि प्रेसिडेंट की डेथ नहीं होती और इंपेचमेंट नहीं होता किसी भी कारण से तो ही कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ फोर तो चार साल जब तक पूर्ण नहीं होगा four, four जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक यूएस के प्रेसिडेंट्स को, के, के को हटाया नहीं जा सकता शो फॉर एट द सेक्रेटरीट आर कंसर्न दे कैन बी एडमिन डिसमिस्ड बाय हिम एंड नॉट बाय द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वही अगर सेक्रेटरीट की बात की जाए जो सेक्रेटरीज होते हैं वो प्रेसिडेंट्स के uh, जो तो जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक वो तो पद में रहेंगे प्रेसिडेंट यदि चाहता है उनको डिसमिस करने के लिए तो कर सकता है बाकी वहां का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास ये पावर नहीं है जबकि ब्रिटेन में है तो द तो दीनेट है अथॉरिटी टू अप्रूव द कैबिनेट अपॉइंटमेंट एंड सेक्रेटरियट तो सीनेट के वहीं पर सीनेट की देखिए अथॉरिटी तो अपॉइंटमेंट और ट्रीटीज के लिए जो है तो पावर किसके पास है सीनेट यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर के मामले में देखें तो सीनेट जो है तो अधिक पावरफुल है

ऑर्डनरी लॉ वह जो हो तो कोई भी ऑर्डर लॉ को पास कर सकता है या रिपील कर सकता है कुछ भी कर सकता है यानी संपूर्ण पावर जो हो तो कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली के

नहीं माना जाएगा तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके पास बहुत सारी पावर है वहीं अमेरिकन जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसकी पावर बहुत कम है क्योंकि उस वहाँ के सीनेट से भी उसको पावर कम मिली हुई है तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट तो नॉट करेक्ट पूछा गया था तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज वीकर द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स तो क्या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूएस का वीकर है हाउस ऑफ कॉमन्स तो ये स्टेटमेंट ट्रू है

तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते तो ये भी स्टेटमेंट सही है डी नंबर क्या करा द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ओवर और द अमेरिकन सीनेट क्या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है तो अधिक पावर है अमेरिकन सीनेट से तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है जैसा कि हमने देखा तो इसका जो नॉट करेक्ट पूछा तो सही आंसर आपको लगाना है वो आंसर डी लगाना है ठीक अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 14, क्या कह रहा है द मैग्ना कार्टा द ग्लोरियस रिवोल्यूशन इन द राइटिंग्स ऑफ जॉन लार्क तो तीन चीजें हैं मैग्ना कार्टा यूरोप का ब्रिटिश का ग्लोरियस रोलूशन जो हुआ हुई थी और राइटिंग ऑफ जॉन लाक ये तीनों कंट्रीब्यूट करते, तो क्या, क्या करते हैं क्या मजबूती करते, करते, करते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज को स्ट्रेंथन करते हैं तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन करने, करने का कार्य ये तीनों जो कार्य तो करते हैं मैग्ना कार्टा 1948 तो सी को करने का काम करते हैं ब्रिटिश में तो धन्यवाद ये हमारा वीडियो था मैंने एक एक क्वेश्चंस को विधिवत एनालिसिस किया है उसका एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश की है तो यदि आप लोग नेट जे की तैयारी कर रहे हैं पोलिटिकल साइंस से तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है और यदि आप आगे एम ए पोलिटिकल साइंस जे एन या डी किसी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आप लोग एम ए साइंस से तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको लिए ये सी को बहुत ही फायदेमंद रहने मैं इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाया हूँ इसके लिए आप सब आप हमारे इसको समर्थन करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जो वीडियो यदि आपको होगा हमारा यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा है किसी भी तरह से मदद कर रहा है तो आप इसको लाइक करिए और एक लो, काम आप लोग को और करना है कि आप लोग ये बताइए कि हम और वीडियो किस टॉपिक किस तरह के बनाए एम आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो एम बनाते हैं और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करना चाहते आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए यदि आपको नोट्स चाह, चाहिए तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा इसी के थ्रू ठीक ना तो हर टॉपिक पर एक टॉपिक वाइज मैं नोट्स जो तो बना के आपको आपके पास लाऊंगा तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा थैंक यू धन्यवाद